यहाँ पर ना सिया ने मेरे दोबारा से मेहंदी लगा दी, क्योंकि ना जो मेहंदी बची हुई थी तो इसने कहा कि मम्मी आप दोबारा से मेहंदी तो लगा गाइस दी। सिया ने एक साइंस का एक्सपेरिमेंट किया है। सिया बताइए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया तूने? वाह। तो गाइस ये है मेरी 30 रुपए की सब्जी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने 30 रुपए की लाई थी और इतना सा मतलब ग्रीन वेजिटेबल बनके कितनी कम बन जाती है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, ब्लॉग विद सिया में आप सबका स्वागत है। आई होप आप लोग अपने घर में ठीक होंगे, मजे में होंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट करके बताना कि आपका मॉर्निंग रूटीन क्या होता है। तो ये देख सकते हैं आप सुबह सुबह मेरी जो फिशेज हैं वो कैसे एक्टिव हो रखी हैं, क्योंकि इन्होंने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है और महेंद्र भी ऑफिस चले गए हैं। अब मैं अपना घर का काम जो है वो करूँगी, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज़ वैसे तो हमारा घर ज़्यादा ना गंदा नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में छोटा बच्चा तो कोई है नहीं। सिया है तो वो बड़ी है, इतना गंदा करती नहीं है। बस ये है कि मुझे थोड़ा सा ये है कि डेली का मैं जो करती हूँ डस्टिंग कर देती हूँ, इससे क्या रहता है ईजी रहता है, और सारा कुछ जो है सेट कर देती हूँ। क्योंकि सिया जब भी है, इसके डैडी जब भी सुबह में बैठते हैं तो इधर उधर फैला देते हैं, तो बस मैंने सारा कमरा जो है सेट कर दिया। तो गाइज़ यहाँ पर ना सिया ने मेरे दोबारा से मेहंदी लगा दी, क्योंकि ना जो मेहंदी बची हुई थी तो इसने कहा कि मम्मी आप दोबारा से मेहंदी लगा लें। खाली बैठे बैठे सोचा मेहंदी लगा लें। वैसे कोई मतलब फेस्टिवल तो अब वैसे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारी जो है मेहंदी चल रही है करवा चौथ की बची हुई, तो हमने सोचा क्यों ना डिज़ाइन लगा लें। मैं दिखाती हूँ सिया ने कौन सा डिज़ाइन लगाया। तो अब डिज़ाइन देख सकते हैं सिया ने कौन सा डिज़ाइन लगाया, अच्छा लगाया। अभी जा रही है सिया ट्यूशन, ट्यूशन का टाइम हो रहा है उसका, तो वो रेडी हो रही है ट्यूशन जाने के लिए। और आपको मैं ना सिया के BTS की टीम वो दिखाती हूँ। सिया के पास BTS के स्टैचूज हैं यहाँ पर रखे हुए, आप देख सकते हैं। गाइज आप ये देखिए BTS, किस किस को BTS के मेंबर्स पसंद है? वी, जंगकुक, किसका बायस कौन है सब कमेंट में बताना। मेरा बायस तो है ये देखिए। तो गाइज मैं सिया को ट्यूशन छोड़ने चली गई थी, उसके बाद आते वक्त मैंने सोचा क्यों ना ग्रीन वेजिटेबल ले जाएं। तो यहाँ पर मैंने सरसों के पत्तों की सब्जी बनानी थी, तो मैंने सोचा कटवा के ही ले जाती हूँ, तो मैंने वहीं पर जो है कटवा लिया। तो गाइज मैं मार्केट से आ गई हूँ अभी सिया को ट्यूशन छोड़ के, और मार्केट से आ गई तो मैं सोच रही हूँ अब खाना बना लेती हूँ। तो मैं आज मैं बना रही हूँ एग करी, और साथ में बनाऊँगी मैं सरसों के पत्तों की सब्जी। सरसों के पत्तों की सूखी सब्जी बनती है, वो बनाऊँगी। तो आते ही गाइज मैंने ना एग बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और एग मेरे बॉईल हो चुके हैं। तो मैं इसको क्या करती हूँ ना, हमेशा ना पहले क्या करती हूँ इसके छिलके निकाल लेती हूँ, और उसके बाद इसको एक बार पानी से धो लेती हूँ कि कहीं इसके ऊपर कहीं गलती से छिलका ना रह जाए। और आप भी ऐसे करे करिए, इससे क्या रहता है ना सेफली काम हो जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ मैंने जो है ग्रीन वेजिटेबल थी वो उसको धोने के लिए रख दी थी, और हरी सब्जी को ना हमें ज़्यादा धोना चाहिए क्योंकि उसके अंदर मिट्टी ज़्यादा होती है, और मतलब हमें ना दो तीन पानी से क्या मतलब 3-4 पानी से धोना चाहिए। और उसको धो के ना एक मतलब जालीदार वाले किसी उसमें आप निकाल दीजिए, जिससे कि इसका जो पानी है वो ईजिली आराम से निकल जाए। तो मैंने यहाँ पर ना बहुत सारे पानी से धो लिया था, सब्जी अच्छे से साफ़ हो गई। अगर ग्रीन वेजिटेबल में ना मिट्टी रह जाएगी तो स्टोन होने का खतरा रहता है, तो इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स को अच्छे से धोना चाहिए। और यहाँ पर मैं अब मैं क्या कर रही हूँ ना, सबसे पहले मैं एग करी बना रही हूँ। तो एग करी बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि जो एग्स है ना वो ज़्यादा टेस्टी लगे, तो उसको मैंने पहले फ्राई कर लिया है। और फ्राई करने के लिए ना इसमें एक अलग सा जो कलर का कोटिंग आती है, तो वो मैंने उसके लिए पहले क्या किया था, रेड मिर्च होती है ना वो डाल दी थी। और इससे पहले क्या करना है आपको, उसमें ना कट लगा लेना है, जिससे कि जो हम ग्रेवी बनाएंगे ना उसका जो मसाला है वो अंदर तक जाए, और जो आपकी एग करी है ना वो ज़्यादा टेस्टी बने। तो यहाँ पर मैंने इसमें जो है रेड वाली मिर्च डाल दी है, कलर वाली, जिससे कि ना उसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए। और यहाँ पर मैंने जो है एग बॉयल करने सॉरी एग फ्राई करने के लिए रख दी है। जब मेरे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना तो खाने में भी टेस्टी लगेंगे और मतलब अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने अच्छे से इन्हें फ्राई कर लिया है, इन्हें मैं निकाल दूंगी एक प्लेट में। और अब बस क्या है, मैं प्याज टमाटर का एक अच्छा सा ग्रेवी वाला बनाना है, और उसमें मैं इसमें क्या है मैं आलू भी डालूंगी। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए थे, अब मैंने यहाँ पर टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने ना आलू बॉईल करके रखे थे, क्योंकि जो मैं एग करी बना रही हूँ ना उसमें मैंने आलू का भी यूज़ किया है। आप बिना आलू का भी बना सकते हैं, लेकिन आलू के साथ बनाएंगे ना तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि हम ना रात को ना चावल खाते हैं मोस्टली, तो हमने इसी वजह से मैंने इसमें आलू भी डाला था, और यहाँ जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पर जो है मैंने आलू डाले थे, तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी ग्रेवी, क्योंकि ये थोड़ा थिक है, क्योंकि हमें थोड़ा चावल के साथ खाना है, तो हमने थोड़ा इसको हल्का सा मतलब ऐसा बना दिया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसमें एग भी डाल दिए, और मेरी एग करी बन गई है।
तो गाइज अब मैं बना रही हूँ ग्रीन वेजिटेबल, जिसमें मैं जो मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बना। तो गाइस जब भी हरी सब्जी बनाए सरसों का तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो उसमें स्मेल आती है। यहाँ मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है, थोड़ी सरसों के मैंने दाने डाल दिए थे, और देख सकते हैं अभी अच्छे से जब चटक जाएगा ना तब आपको इसमें ना हरी मिर्च डाल देनी है, और हरी मिर्च डालने के बाद जो आपने सब्जी धो के रखी है वो इसमें ऐड कर देनी है। और आपको ना एक बात का ध्यान देना है, इसमें ना आप कोई मसाले मत यूज़ करिए, ये बिना मसालों के ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी ये सब्ज़ी। आप एक बार ऐसा ज़रूर बनाना, क्योंकि ये मैंने अपनी सास से सीखा था, वो ऐसे बनाती थी और सही में जो सब्जी है बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है। तो गाइस यहाँ पर मैंने जो है सब्जी छौंक दी है, और इसको मैं सिर्फ नमक डालूंगी, कोई मसाले नहीं डालूंगी, क्योंकि ये सिर्फ नमक डाल के भी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और हेल्दी भी होती है। इसमें हमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने चाहिए। और मेरी जो है एग करी भी बन के रेडी हुई है, चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं, और साथ में मैं बनाऊँगी रोटियाँ डिनर में, तो मैं आपको दिखाती हूँ एग करी कैसी बनी है। तो गाइज आप ये देखिए एग करी बन के रेडी हो गई है, और यहाँ पर जो है मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं, और ये सब्जी मैंने छौंक दी थी, बना दूंगी इसमें अभी, नमक डालूंगी सिर्फ और कुछ नहीं डालूंगी। ये सुबह का है आटा गूंदा हुआ, इसकी मैं बनाऊंगी रोटियाँ। तो गाइज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पोहा बनेगा, इसलिए मैंने कड़ी पत्ता अभी तोड़ के रख दिए थे। तो गाइज सिया ने एक साइंस का एक्सपेरिमेंट किया है। सिया बताइए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया तूने? सिया 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 जल्दी बता, सिया ने साइंस का एक्सपेरिमेंट किया है, मेरे को तो हंसी आ रही है इसको देखकर। कौन सा एक्सपेरिमेंट कर दिया तूने बता जल्दी, हंसी जा रही है क्योंकि मेरे को साइंस लेनी है ना, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर दे रही हूं। कौन सा एक्सपेरिमेंट कर दिया बता जल्दी बता जल्दी बता। वो वाला है, ये सबको पता होगा कि वो एक ऐसा लिक्विड बनता है ना कि अगर हम इसको हार्ड टच करेंगे ना, मतलब एकदम मुक्के मारेंगे, तो इसमें एकदम सॉलिड की तरह रिएक्ट करेगा, लेकिन हम अगर हल्का सा हार्ड डालेंगे ना तो एकदम लिक्विड बन जाएगा। तो गाइस आपको समझ आया, इसने ये पता किस चीज का एक्सपेरिमेंट किया? सिया है क्या है वैसे? इसमें कॉर्नफ्लोर दिखाइयो, क्या है ये? कॉर्नफ्लोर और वो है, ये कॉर्नफ्लोर है और क्या है सिया? और पानी, बस कॉर्नफ्लोर और पानी। और कलर कैसे चेंज हुआ इसका? फूड कलर डाला है। अच्छा ये फूड कलर डाला है इसने, ये देखो अब इसमें कुछ नहीं हो रहा ना, अभी हल्का सा डालेगी इसमें हाथ। वाव, और अगर तेज के डालेगी? कुछ भी नहीं होगा। तो गाइज आप भी ये वाला एक्सपेरिमेंट जरूर करना। सिया ने जो साइंस का एक्सपेरिमेंट किया है, मस्त एक्सपेरिमेंट किया है। वाओ, देख रहे हो, देख रहे हो। वाओ सिया, कहाँ से देखा तुमने ये वाला एक्सपेरिमेंट? अरे मैं रील्स देख रही थी। हैं, ये कहाँ से तेरे को इतना आइडिया आया? ये देखो गाइस, ये रील्स देख रही थी। मैं रील्स देख रही थी, ऐसे आया, मैंने कहा मैं बना के देखती हूँ, फेक या रियल है, कॉर्नफ्लोर से क्या बनता है ऐसे, मतलब ऐसे तो कॉर्नफ्लोर से हमें तो नहीं पता भाई ऐसे कुछ बनता है। तो गाइस ये है मेरी 30 रुपए की सब्जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने 30 रुपए की लाई थी और इतना सा मतलब ग्रीन वेजिटेबल बन के कितनी कम बन जाती है। तो गाइस हम लोग कर रहे हैं डिनर, और ये मैंने महेंद्र के लिए खाना लगा दिया है, और ये ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हैं महेंद्र। तो यहाँ मेरी रोटियाँ भी बन चुकी हैं, तो गाइस हम लोगों का डिनर हो चुका है, और अब सिया जो है ना पबजी खेल रही है थोड़ी देर। मैं पबजी बैन हो चुका है, मैं डेली नहीं खेलती, मैं थोड़ी देर खेलती हूँ, वो भी पूरे दिन में, सिर्फ थोड़ी देर। तो गाइस हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।